मेरे तो जब यूट्यूब पे कोई भी ट्रेंड चलता है तो अगर यूट्यूबर उस ट्रेंड को पकड़ता है तो वो सक्सेस होता है, वो जल्दी से व्यूज बटोर पाता है। जैसे एग्जांपल में आप कुछ इस तरीके से समझो, यूट्यूबर हैं बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं ध्रुव राठी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की खबर है। कैसे आप ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाकर व्यूज बटोर सकते हो? अब ये मत समझना कि हम ध्रुव राठी के साथ हैं या फिर ध्रुव राठी के खिलाफ हैं, ठीक है? हमको किसी से कुछ मतलब नहीं। सो ओके दोस्तों, रोहित सर ने आपको ये तो बता दिया कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक्स वीडियो अपलोड करके अपने YouTube चैनल के ऊपर व्यूज बटोर सकते हो, ला सकते हो। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर सही तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको दूसरे की वीडियो को अपलोड करके पैसा आपको कमा लेना है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल के ऊपर किसी और की वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड कर देते हो तो उससे तो आपके YouTube चैनल पर पक्का स्ट्राइक आएगा। या आप किसी का कोई सॉन्ग या म्यूजिक वाला वीडियो उठाकर अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करते हो तो आपके पास में कम से कम क्लेम तो आएगा ही। तो ऐसी कंडीशन में YouTube चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते। लेकिन सही तरीका क्या है वीडियोज़ अपलोड करने का दूसरे के कॉन्टेंट को, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि YouTube के ऊपर दूसरे की वीडियो को यूज़ करके लोग पैसा कमा रहे हैं। अभी यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी के ऊपर काफ़ी लोग वीडियोज़ बना चुके हैं, मैं भी यहाँ पर बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब वीडियो के अंदर सही फैक्ट्स ढूंढने होते हैं, सही तरीके से देखना होता है कि मुझे यहाँ पर किस तरीके से दूसरे की वीडियो को यूज़ करना है। डायरेक्टली डाउनलोड करके अपलोड करोगे तो कितने परसेंट आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो YouTube चैनल के ऊपर। काफ़ी सारी पिछली वीडियोस के अंदर आपको रिकमेंड कर रखा है कि अगर आप किसी का कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करते हो तो आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर उसको कितने परसेंट अपलोड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले ही समझ लेते हैं, 80% कंटेंट आपका होना चाहिए और दूसरे का जो भी कंटेंट है वो आपको सिर्फ 20% ही रखना है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि आपको कम्प्लीटली वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर अगर डालनी है तो इसमें भी एक कंडीशन है। दोस्तों, अगर आप किसी के ऊपर मान लो वीडियो बनाते हो और आप या किसी का ट्रेंड चल रहा है, जैसे ध्रुव राठी का चल रहा है, तो ध्रुव राठी का जो कंटेंट है आपको अपने वीडियो के अंदर कैसे यूज़ करना है, अपने चैनल के ऊपर कैसे यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, एक गलती ये नहीं करनी है कि डायरेक्ट उठाओ और उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दो। ध्रुव राठी आपको पक्का स्ट्राइक देगा, या ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी चल रहा है, आप किसी की कंप्लीट वीडियो उठाओगे तो वो भी स्ट्राइक देने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा करो, अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपनी खुद की वीडियो भी उस वीडियो के अंदर शामिल करो। यहाँ पर मैंने जैसे बात की थी परसेंटेज की, 80% कंटेंट आपका होना चाहिए और 20% कंटेंट दूसरे का होना चाहिए। लेकिन उस 20% कंटेंट को हम किस तरह से बनाएंगे अपनी वीडियो के अंदर ताकि 80% कंटेंट हमारा रहे और 20% कंटेंट दूसरे का रहे जिसको हम अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे समझिए दोस्तों, मान लो आधे घंटे की या एक घंटे की कोई भी वीडियो है ध्रुव राठी की, एग्जाम्पल कोई भी वीडियो बड़ी से बड़ी है और आप उसको कम्प्लीटली ही अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहोगे तभी वो कंटेंट किसी के समझ में आएगा जिस पर्पज पे आपने वीडियो बनाई है। मान लो ध्रुव राठी की आधे घंटे की 30 मिनट की कोई वीडियो है और आपको वो अपने चैनल के ऊपर यूज़ करनी है कम्प्लीटली, क्योंकि ध्रुव राठी का जो भी टॉपिक रहेगा तो वो कम्प्लीटली ही आप अपनी वीडियो में दिखाओगे। तो यहाँ पर एक वीडियो बनती है दोस्तों रिएक्शन की। रिएक्शन टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपका यूट्यूब चैनल 100% रीयूज कॉन्टेंट में नहीं आएगा, कोई क्लेम नहीं आएगा, कोई आपकी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक नहीं आएगी और 100% आपका YouTube चैनल मोनेटाइज भी होगा। तो आपको ऐसे करना है, जैसे यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपनी इस वीडियो में मैं कोई भी रिएक्शन देने वाला हूँ। मान लो यहाँ पर मैं कॉर्नर में एक वीडियो को डाउनलोड करूँगा, एग्जाम्पल ध्रुव राठी की या किसी और की वीडियो को, तो यहाँ पर मैं इस जगह पर इस कॉर्नर में उस वीडियो को प्ले करूँगा और उसके ऊपर रिएक्शंस देना शुरू कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँगा कि ध्रुव राठी ने किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, ध्रुव राठी यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, जो भी फैक्ट्स हैं वीडियो के अंदर उनमें आपको रिएक्ट करना है, उन वीडियोस के अंदर आपको बोलना है। मतलब ध्रुव राठी ने रिसेंट में जो भी वीडियो बनाई है या किसी और ट्रेंड का, यहाँ पर किसी और चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो उसकी वीडियो को आप कंप्लीट डाउनलोड करें और उसका क्लिप अपने इस वीडियो के यहाँ पर कॉर्नर में लगाएं। सारा जो क्रिएटिंग सिस्टम है दोस्तों वो स्क्रीन से मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन पर किसी का दूसरे का कॉपीराइट कंटेंट कितने परसेंट शो हो रहा है, तो उसको यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर आपको सिर्फ 20% ही उसका स्क्वायर यानी उसकी स्क्रीन को रखना है, बाकी का जो 80% कंटेंट है वो आपको अपना ही रखना है। तो यहाँ पर बन जाता है 100% कंटेंट, मतलब 20% उनका हो गया और बाकी का 80% आपका हो गया। तो जब आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए तो 100% आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी होने वाला है। और अगर ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो बेझिझक कंप्लीटली डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आसानी से
बिल्कुल बिना टेंशन के आप अपने YouTube चैनल के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बना सकते हो। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कितना परसेंट कंटेंट आपको यूज़ करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आप वीडियो देख रहे होंगे यहाँ पर कि कितना फ्रेम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इस वीडियो के अंदर। तो इतना ही फ्रेम आपको यूज़ करना है, चाहे वो एक घंटे की वीडियो हो या 10 मिनट की हो या 2 घंटे की हो। बाकी आपको इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी है, जैसे ध्रुव राठी आधे घंटे की या मतलब 45 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, कितनी भी देर की बनाते हैं। तो आपको कम्प्लीटली वो वीडियो अपने वीडियो के अंदर शो करानी है और उस पर रिएक्शन भी करना है। उसमें आप बिल्कुल ऐसे सुस्त बन के मत बैठ जाना, मतलब अगर किसी का कॉपीराइट कंटेंट अपनी वीडियो में यूज़ कर लिया है और उसको आप अपनी स्क्रीन के कॉर्नर में दिखा रहे हैं 20% और आपका अपना 80% ही है, तो आपको ऐसे सुस्त नहीं बन के रहना है कि जैसे यहाँ पर आप सुस्त बैठे हो देख रहे हैं। हाँ, देखो आपको कोई ना कोई रिएक्ट भी करना होता है, आपको फैक्ट्स बताने होते हैं कि ध्रुव राठी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, या आपको कैसे समझा रहे हैं, मतलब आपको फैक्ट्स निकालने होते हैं, या आपको कॉमेडी करनी होती है, या आपको कुछ भी मतलब ऐसा बताना होता है जो यूट्यूब को भी ये लगे कि हाँ ये पर्सन अपनी वीडियो के अंदर किसी दूसरे की वीडियो को यूज़ करके उस पर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और अगर आपने काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स देख रखे होंगे तो उनके फ्रेम्स भी आप जाकर चेक कर लेना जो रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जैसे मूवीज़ के क्लिप लगाते हैं और बहुत सारे लोगों को वीडियो को यूज़ करते हैं। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स देख रखे हैं, तो उनके फ्रेम भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना फ्रेम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आपको इतना ही उस वीडियो का फ्रेम यूज़ करना है, ठीक है, कॉर्नर में। तो आपका कंटेंट 100% सेफ रहेगा लाइफ टाइम, आप कभी भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देख सकते, ना ही कोई क्लेम आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप किसी का सॉन्ग यूज़ कर लेते हो तो वो मत लगाना, उस पर क्लेम आ जाता है, उस चीज़ से आपको बचना है। बस आपको डायरेक्टली कोई भी वीडियो यूज़ करनी है, चाहे वो दुनिया की कैसी भी वीडियो है, आप उसको अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आजकल ध्रुव राठी का ट्रेंड चल रहा है तो वो ट्रेंड पर आप वीडियो बनाएं, उनके अंदर ये भी बताएं, आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ पर ध्रुव राठी गलत बोल रहे हैं तो ये भी बताएं कि यहाँ पर गलत बोल रहे हैं, अगर सही बोल रहे हैं तो सही भी आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ध्रुव राठी ने सही बोला है। किसी भी कंटेंट पर आप अपने वीडियोज़ को तैयार कर सकते हो रिएक्शन के तौर पर, और अपने यहाँ पर कॉर्नर में उस वीडियो को आसानी से यूज़ करके काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आप लोगों के आसानी से समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।